filed a case to me. And his online loan cards. So Manish Tandon out, Puneeth Mukhija, don't know. Delhi mein Tilaknagar mein. एक केंद्रीय फाउंडेशन, एक चार्टेबल एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन करके वो ऑफिस में और अलग अलग ऑफिस ओपन करके इंश्योरेंस पॉलिसीज मार्केटिंग के काउंट जॉब लेके अलग चैनल से ऑल ओवर द इंडिया वो कस्टमर्स का मोबाइल नंबर फोन नंबर कलेक्ट करके बुकिंग्स का फोन करके दिल्ली से चीप रेट से इंटरेस्ट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने के वो क्या बता के बुकिंग से 50,000 से 5 लाख तक प्रोसेसिंग फीस इंश्योरेंस प्रीमियम और डिफरेंट लाइसेंसिंग ऑफिसर्स को कमीशन देने के लिए अमाउंट बैंक अकाउंट में जमा करके वो अमाउंट विड्रॉ करके वो कस्टमर को उनसे रिलेशन खत्म करके जब कस्टमर विक्टिम्स ये चीटिंग वो उनके समझ में समझ के पुलिस को आगे कंप्लेन करता। हमारा हैदराबाद में निश्चल नरेंद्र को बंधु में रहने वाला उनको 10 लाख लोन देने का ऑफर मेरा उनका नाम के दिल्ली से फोन करा। इन्होंने 2 लाख और 30,000 का उनको बैंक में जमा करा। जमा करने के बाद वो लोग उनसे डिस्कनेक्ट करके वो अमाउंट उधार कर लिया। बाद में वो नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो रिस्पॉन्स नहीं आया जिससे पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन किया कि नरेंद्र प्रसाद जो इंफॉर्मेशन हमने दिया वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करके ये अफेंडर्स दिल्ली में तिलकनगर में वो लोग अफेक्ट कर रहे होंगे समझ के वो टीम वहाँ जाके उनको गिरफ्तार करके उनको तो दिल्ली में कोर्ट में पुलिस करके फिर कानून जांच में हैदराबाद ला के फिर पुलिस कस्टडी में लेके दिल्ली जाके 8 लाख रुपया और 2 सेल फोन्स और फोन्स बरामद कर लिया। बैंक अकाउंट्स के बारे में भी समाचार लेके वो बैंक में ट्रांजेक्शन को और मोबाइल फोन पे लैपटॉप में जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तक जो इंफॉर्मेशन मिला लगभग 2 करोड़ रुपया कई यूपीओ से कई कस्टमर से देश में अलग अलग स्टेट से अलग अलग विक्टिम से ऐसा फ्रॉड करने का समाचार हमें मिला। अभी ये समाचार को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करके इन लोगों को सजा दिलाने की कोशिश